आयोग ने एक तुगलकी फरमान जारी करके यह कहा है कि आरक्षित वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी का अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसके खिलाफ हम लोगों का आज दलित पिछड़े वर्ग के इलाहाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र आज लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे। अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करेंगे कि आरक्षण पे एक श्वेत पत्र जारी करें और स्थिति को स्पष्ट करें। साथ ही हमारी मांग है कि संविधान सम्मत जो भारतीय संविधान कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था के तहत आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी में आता है उसको रखा जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि योगी और मोदी का दिमाग हम लोग ठिकाने लगा देंगे। अगर वह आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग उनकी चूल्हे हिलाकर रख देंगे। ये जो छात्रों का हुजूम जुमड़ा है अभी यह शुरुआती चरण है। अभी एक घंटे के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र आने वाले हैं और हमारी एक मांग है कि आरक्षण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग युवाओं को लामबंद कर रहे हैं आयोग पर, आप सरकार से और जो कोर्ट है जिसका फैसला है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश के माहौल खराब है। उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर और वहां पर यह पारित करवाती है कि वो हमारा जो आरक्षण मौलिक अधिकार था वह नहीं रहेगा। वह यह पारित करवाती है कि प्रमोशन में दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पूर्णतः मंशा है कि इस देश के गरीब वंचित तबके की लड़ाई को कमजोर किया जाए, उनके हक की लड़ाई को कमजोर किया जाए, उनके अधिकार को न दिया जाए। अभी मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमारे इस आंदोलन में तमाम संगठन के लोग आए हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे आंदोलन का समर्थन दिया है और 15 तारीख को लखनऊ में धरना देगी। भारत की कोई भी जनतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी जो गैर बराबरी खत्म करना चाहती है वो हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात को सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को जो फैसला सुनाया है ये पूरा भारतीय संविधान की हत्या करके ये तुगलकी फरमान जारी किया गया। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस समय बीजेपी और आरएसएस के लोग न्यायपालिका का इस्तेमाल करके जो एससी एसटी ओबीसी समुदाय है उसके सारे अधिकारों को छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आप देखिए खुलेआम उत्तराखंड का जो फैसला था उसको हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, अब आप देखिए कि ये क्या कहा जा रहा है कि जो आरक्षण इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो मंडल कमीशन के संदर्भ में जो केस दायर हुआ था ऐतिहासिक, उसमें कहा गया था कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, उसके फैसलों को खुलेआम गुंडागर्दी न्यायपालिका के सहारे बीजेपी आरएसएस के लोग इस्तेमाल करके उस जो मौलिक अधिकार है खुलेआम ये घोषणा कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये आरक्षण के संबंध में सबसे खतरनाक फैसला यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर आपका चयन जो होता है वो आपकी ही कैटेगरी में किया जाएगा, तब तो आरक्षण के सारी जो प्रासंगिकता वो खत्म हो जाती है जिसलिए आरक्षण दिया गया था। आप सोचिए कि पिछले 5000 सालों से ये समुदाय था, एस सी एस टी ओ बी समुदाय, इनके अधिकारों को वंचित किया गया, इनको दबाया गया और जाति आधारित इस तरह के शोषण पिछले 5000 सालों से किया गया और जिसके तहत हमारे संविधान सभा ने, संविधान निर्माताओं ने ये फैसला सुनाया कि निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य के रूप में हमें जिस तरीके से लैटिन अमेरिका कंट्री में, अमेरिका इंग्लैंड में जिस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन दिया गया था उस वही अफर्मेटिव एक्शन हमें रिजर्वेशन के रूप में दिया गया। दूसरी बात, ये कोई भिक्षा नहीं है जो हमको मिला है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। आरक्षण कोई नौकरी का मसला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्राण तत्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फैसला आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने न्यायपालिका का इस्तेमाल करके, ये सीधे सीधे भारत की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और दूसरी चीज, जो भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना जो घोषणा करती है, भारत के संविधान और उसकी प्रस्तावना पर इन लोगों ने तलवार चलाया है, इस पर गोलियां। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि एक ऐसा फैसला है? युवाओं ने, पहले तो युवाओं ने जिताया था मोदी को, अब युवा ही हरवाएंगे मोदी को। इंकलाब जिंदाबाद, मोदी को मारो और योगी को मारो, क्योंकि ये सब देश को बांट रहे हैं अलग अलग करके। पहले ये लोग नोटबंदी बंद किए, जीएसटी लगा दिए, ये कर दिए, इसे सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि सबको बराबर से देखा जाए,
मोदी योगी बर्बाद कर दे रहे हैं पूरे प्रदेश को। तो मतलब क्या करना, बात मौलिक अधिकार की बात 1235 होती है, 1235 मौलिक अधिकार है, तो 16 आरक्षण 16-2, 16-4 से आया है, तो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार और संविधान का अधिकार नहीं है, कहां से नहीं है भाई, 16-2, 16-4 से है आरक्षण, तो हो तो गया ना मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कहां से मौलिक अधिकार नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप कहां से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और न्यायपालिका से? देखिए, ये जब से भाजपा नीत मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार आई है, ये न्यायपालिका के माध्यम से जो दलितों पिछड़ों का आदिवासियों का हक और हुकूक है, अधिकार है, जो कि तमाम सारी भर्तियों से मिलता है, चाहे लोक सेवा आयोग के थ्रू हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू, आप देखते रहे होंगे ये लगातार दलितों पिछड़ों के जो इनका प्रतिनिधित्व है उसको घटाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा जो है 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने लागू किया, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन हुआ तो बैकफुट पर आए, और सीधा उसी तरीके से आरक्षण को प्रभावी निष्प्रभावी करने के लिए इन्होंने ओवरलैपिंग की जो हमारी कैटेगरी है बीसी और एससी और एसटी की जो कैटेगरी है उसको ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है जो हमारी 85% आवाम है उसका हक और हुकूक प्रभावित हो रहा है। पहले ये जो है अघोषित 50% आरक्षण दे रहे थे, उसके बाद आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे करके उनकी सीमा 60% उनको 60% दे रहे हैं, और जो दलित पिछड़ा जिसकी आबादी 85% है इसको जो है 49% में समेटने का काम कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा इंदिरा सानी बनाम स्टेट भारत सरकार के फैसले में इन्होंने 13 बेंच के फैसले को जो है सिंगल बेंच के फैसले ने खारिज किया कि आरक्षण जो है 50% को एक्सीड कर सकता है, तो सीधे तौर पर न्यायपालिका में बैठे जिसको हम मनुपालिका आज के दौर में कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सीधे सीधे न्यायपालिका का हस्तक्षेप करके दलितों पिछड़ों के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? सुल्तानपुर से हूँ मैं। सुल्तानपुर से आए हैं जी। ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं और किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, जो संवैधानिक अधिकारों के बदौलत आगे बढ़ रहा था, इनके चेहरे पे चमक आ रही थी, उस चमक को फीका करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है मनवादी व्यवस्था के हिसाब से, RSS की सरकार के द्वारा जो न्यायपालिका को एक हथियार बनाकर हमारे अधिकारों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना है? हम जलनीर यादव फतेहपुर से हैं। जिस प्रकार ये ओवरलैपिंग की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, इसमें SC ST OBC का हक मारा जा रहा है। SC की भागीदारी के हिसाब से अगर उसकी भागीदारी के हिसाब साझेदारी देखी जाए तो उसकी 15% है, अगर ST की देखी जाए तो 7.5%। इस प्रकार 22.5% आरक्षण का जहाँ तक सब उसमें मूल वो किया गया है, और OBC के फिलहाल भागीदारी 55-60% पहुँच रही है, फिर भी इसकी अगर आरक्षण भागीदारी 27% दी जा रही है तो टोटल कुल मिलाकर 49.5% हो रहा है। ऑलरेडी उनको 50% का आरक्षण दिया गया था, ईवीएस के माध्यम से उनको 10% का आरक्षण दिया गया था, टोटल आरक्षण 60% हो गया, और 40% में पूरा समुदाय है, इसलिए हम इसलिए यहाँ पे इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लोक सेवा आयोग घेरने का प्रस्ताव जाए। अजीत, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से और न्यायपालिका से, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से ओवरलैपिंग खत्म कर दी जा रही है कि दलित बैकवर्ड और अल्पसंख्यक के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग जो ओवरलैपिंग करते थे उसको हटा दिया गया है, और यह जो है सिर्फ प्रभात कुमार सिंह के द्वारा हटाया गया है, न कि कोई सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट और शासन से आदेश आया है, ये अपने मन से कर रहा है। जिस तरीके से हमको त्रिराष्ट्रीय आरक्षण का मुझे लाभ मिलता है उसको सीधे सीधे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से एक दलित समाज का व्यक्ति ओवरलैपिंग करके जो है जनरल में क्वालिफाई करता था उसके खिलाफ एक उठाघात कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों का ये जो है धरना प्रदर्शन चालू है, और ये चलता रहेगा जब तक हमारे जो संविधान बना है, हमारा जो कानून है उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन हम लोग का निरंतर चलता रहेगा।
आप क्या मानते हैं कि आयोग के अध्यक्ष ही पूरे मामले को मिसगाइड कर रहे हैं? हाँ, आयोग के अध्यक्ष ने ही सारे मामलों को जो है मिसगाइड किए हैं। जिस तरीके से एक सीट पे 15 लोगों को बुलाया जाता था, अब जो है 13 लोगों को बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से अपने मनमानी तरीके से ये कर रहे हैं, ये तालाब में कंकड़ मारने का काम कर रहे हैं कि पहले हम देखें कि क्या हो रहा है। कंकड़ मारने से लहर पैदा हो रही है या बुलबुले उठ रहे हैं? तो ये हम लोग इनको बताने के लिए आए कि लहर और बुलबुलों को छोड़ दीजिए और सिर्फ कानून और नियम का पालन करिए, उल्लंघन न करिए। अजीत, हाँ, साहब बताइए, आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यह किसके खिलाफ है? देखिए, वर्तमान की जो सरकार और संविधान में जब आरक्षण, ये हमारे अंदर धैर्य की बहुत जरूरत है। प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया एक सकारात्मक कार्यवाही है, जिसके समाज के अप्रगतिशील और मानसिक कुंठा के शिकार लोग हमेशा भीख के नाम से, खैरात के नाम से जाने जाते, जबकि वार्ड लेवल पे सकारात्मक कार्रवाई है जिससे समाज का वंचित तबका एक विकास की धारा में आ सके, मेहनत कश लोग देश को बनाने के लिए आगे बढ़ सके। लेकिन यह संघ की सरकार कभी आरक्षण को समीक्षा करने के सवाल पे, कभी क्रिमिलेयर के सवाल पे, कभी रोस्टर के सवाल पे, कभी प्रमोशन के सवाल पे, कभी त्रिस्तरीय के सवाल पे कि प्री में लागू होगा, मेंस में नहीं लागू होगा, फिर इंटरव्यू में होगा, उसके बाद अगर इन सब प्रक्रियाओं को आप पालन करके आगे भी बढ़ जाते हैं तो इंटरव्यू का जब नंबर आता है तो वहाँ भी बांट के लोग रखे हैं। मैं कई बार संघ लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लगातार खुद मैं इंटरव्यू दिया हूँ, तो एक मानक बना के रखे हुए हैं कि सामान्य वर्ग के लड़के तो 140 नंबर दिया जाएगा और 120 दिया जाएगा, जबकि ओबीसी के बच्चे को 80 से 85 के बीच रोक दिया जाएगा। फिर अगला स्टेज आप बताए कि 80 को 60 नंबर से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, और यह पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लड़ाई पर आज उतरे हुए हैं। अभी देश में 1993 में ही आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला है, उसके बाद 95-96 से क्रिमिलेयर की व्यवस्था लगा करके, उसके बाद तुरंत उच्च शिक्षा में 2006 में लागू हुआ 27%, जिसको 3 सेक्टरों में बांट के लागू हुआ कि 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा 9% करके, और तब जाके 27% अभी लागू नहीं लागू हुआ। अभी संविधान से तो आरक्षण पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ, तब तक मानसिक कुंठा के शिकार लोग इस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिए हैं। आज हम उसके खिलाफ इस आंदोलन पे और सड़क पर उतरे हुए हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4), 335 और 46 को मिला के पढ़ेंगे, तब जाके भारतीय संविधान में आरक्षण की प्रस्तावना से लेके और पूरे संविधान पर आरक्षण के जो विचार है वो स्पष्ट होंगे, तब जाके प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं गोरखनाथ यादव, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये कि आप क्या मानते हैं कि पूरे मामले को सरकार किस तरीके से मिसगाइड कर रही है? इस आयोग के अध्यक्ष मामले को मिसगाइड कर रहे हैं या कहीं और से मामला डाइवर्ट किया जा रहा है? देखिए, सरकार कोर्ट को आगे करके जिस तरीके से गरीब पिछड़े तबकों का जो आरक्षण को छीनने का प्रयास कर रही है, ये सरकार की मंशा जो है, इस सरकार की मंशा को हम पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। हम 85% के लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं, और आने वाले दिनों में लोक सेवा आयोग द्वारा जो तानाशाही फरमान जारी किया गया है इसका पुरजोर हम लोग आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोर्ट को जिस तरीके से आगे करके इनके वकीलों ने जिस तरीके से कहा कि आरक्षण नहीं चाहिए, ये जब सरकार बनाने की बात आती है कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है 85% के लोगों के साथ में कहीं ना कहीं ये देश भावना पूर्ण जो लागू किया गया इसका हम लोग विरोध करें। आप कहाँ से आए हैं? ये इलाहाबाद से आए। क्या मांग है आपकी? ये जो संविधान विरोधी जो है लोक सेवा आयोग में जो है आरक्षण जो है पारित कर रहे हैं, ये जो आरक्षण जो है ये लागू कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी आरक्षण है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको आरक्षण लागू करना है तो इनको जातियों को भी एक समान बराबर बांटने का काम करना होगा, जिसके लिए तमाम जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं ये रोड पर आए हैं, और आंदोलन तब तक रहेगा जब तक ये आरक्षण जो है इसके जाति को एक समान नहीं करने का काम करेंगे। धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद के लोक सेवा आयोग के परिसर के बाहर लोग धरना दे रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में नौकरियों की, नियुक्तियों की, वह बहुत गलत है। यदि ऐसा ही होता रहा तो कहीं ना कहीं से आरक्षण की जो मूल भावना थी, संवैधानिक रूप से आरक्षण दिए जाने की का जो प्रावधान था, वह मिसयूज होगा और उससे सबसे बड़ा नुकसान आरक्षित वर्ग को हो रहा है। कैमरामैन नदीम के साथ अखिलेश कृष्णमोहन।